हमारे देश का उपराष्ट्रपति श्रीमान रामदीन सरजू जी, जो अपने मूल्य समय को निकालकर और इस मां के दरबार में लगातार, शायद आज ये चौथा वर्ष है जब मैं आपको देख रहा हूं कि आप यहां पर आते हैं, इस जगह में आप भाग लेते हैं, आपके लिए भी भगवान परमात्मा के चरणारविंदों में मेरा प्रार्थना है कि आप इसी तरह देश का कारोबार संभालें, क्योंकि आप, मुझे पता है, मेरा अपना स्वयं का अनुभव है कि आपके हर एक के लिए आपके श्रवण कूट है, आप हर एक के सुनते हैं और फिर उनके लिए कुछ न कुछ उपाय ढूंढते हैं, ये मुझे खुद मालूम है और इसलिए मैं बहुत बहुत आपका सराहना करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद कि आप अपना मूल्य समय निकालकर और मां के इस पवित्र दरबार में विराजमान है कि आप अपना मूल्य समय निकालकर हमारे इस यज्ञ में विराजमान है, बहुत बहुत सारा साधुवाद। उपराष्ट्रपति जी श्री राम सरजू से निवेदन करता हूं कि आप आए, अपना धर्म उपदेश हम सभी को प्रदान करें। व्यास जी, आप हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। पंडित वर्ग, ब्राह्मण जन, आप सबों को भी प्रणाम। भाइयों देवे जो यहां पर उपस्थित, आप सबों को भी नमस्कार। जरूर मैं आपको धन्यवाद करना उचित समझता हूं कि मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है यहां पर दो वचन कहने के लिए। पहले तो मैं जरूर व्यास जी को प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने कितना सुंदर से वचनों से और इतना गंभीर विषय हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। आगे चल करके मैं श्रीमान भैया रामलखन जी सब पत्नी उनके परिवार को भी धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिन्होंने कितना मान सम्मान से हमें यहाँ पर कन्फर्म किए हैं और हर एक जनता जो यहाँ पर उपस्थित है, मैं आपकी उपस्थिति को भी हार्दिक से धन्यवाद मनाना चाहता हूँ। जरूर मैं भी भैया राम खेलावन परिवार, पिता, पुत्र और हर एक लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, इस अवसर पर गान से, संगीत से सेवा किए हैं, उन लोगों को भी मैं हार्दिक से धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूँ। खास करके भैया क्रिश राम खेलावन श्री पिताजी, उनके भी अपना धर्म पत्नी, अपने बच्चों की तरफ से भी जिन लोगों से बहुत अच्छा संबंध है, मैं इनके इन फैक्ट्री की जो जन्म दिवस है, जन्मगांठ है, इसके अवसर पर भी मैं अभिनंदन प्रस्तुत करना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। भगवान करे कि आपका आयु जो है अति लंबी हो और जिस तरीका से आप जन समाज की सेवा करते आए हैं, सूरीनाम देश में, त्रिनिदाद में, हॉलैंड में, इतना दूर तक कि हिंदुस्तान में भी भैया करीब हमसे भेंट हुआ है कि जहाँ पर हिंदुस्तान में भी जाकर के वहाँ पर अपना संगीत से वहाँ पर की जनता की भी सेवा की। भगवान करके आपका आयु लंबी और स्वास्थ्य।
ये राम कथा जो पंडित जी प्रवचन के रूप में आप लोग के सामने प्रस्तुत किए हैं, ये एक ऊंच ऊंच कोटि का विचार है। इसमें रहस्य है। राम कथा एक कथा है जो हमारे लिए एक मामूली है और अपने जीवन में हर एक विषय पर हम राम कथा से ताकत लेकर के, शिक्षा लेकर के और अपना मुसीबत इत्यादि बौछार जो हर एक व्यक्ति के ऊपर जिंदगी में आया करता है उसमें हम ताकत पा सकते हैं, शक्ति पा सकते हैं उसको निवारण करने के लिए। तुलसीदास महाराज जी ने भी कहा है कि तीन तत्व है जो हमारे लिए मूल है, एक विश्वास, दूसरा श्रद्धा, तीसरा भक्ति। हर एक जीवन, हर एक इंसान के जीवन में अगर ये विश्वास न है, श्रद्धा न है, भक्ति न है, तो आपका जीवन का रास्ता जो है उसमें सिर्फ कांटा और कांटा है। लेकिन जिनके अंदर में विश्वास है, श्रद्धा है और भक्ति है, उनके जीवन में अपना जीवन एक अच्छा तरीका से व्यतीत करने के लिए ये एक सुंदर रास्ता है। तुलसीदास जी ने कथा कहा है उत्तरकांड में, बिना विश्वास भक्ति नहीं तेह बिन द्रोह राम, राम कृपा बिनु सतने हूँ जीवन लह विश्राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके अंदर भी विश्वास न है वहां भक्ति नहीं धारण कर सकता है, लेकिन आपके अंदर में अगर ये विश्वास है, श्रद्धा है, सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भक्ति भावत, भगवान कृष्ण कहता है कि हर एक इंसान का सच्चा रूप जो है, सात्विक रूप जो है, वो श्रद्धा से आता है। जैसा जिसका श्रद्धा है वैसा उनका रूप है, आचरण है, स्वभाव है, जिंदगी। अगर ये आप यहाँ पर उपस्थित हैं इस यज्ञ में, तो मुझे हमारा ख्याल जा रहा है बीते हुए यज्ञ में जो यहाँ पर रहा, तो होलांग देश से कितने लोग, गोरा लोग आकर के यहाँ पर और क्या उन वचन हम लोग के सिखाए हैं, तो समस्त जनता को गवाए हैं ये मंत्र, यज्ञ वै श्रेष्ठतम कर्म, ये हम लोग गान किए हैं एक बार, दस बार, मुझे मालूम शायद सौ बार, इतना दूर तक कि आज तक मुझे ख्याल है, यज्ञ वै श्रेष्ठतम कर्म। ये यज्ञ जो यहाँ पर है एक श्रेष्ठ तमंग कर्म है। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि आपके अंदर में सात्विक श्रद्धा, वो सात्विक श्रद्धा आप लोगों की खींच करके यहाँ पर लाए हैं। और हम भैया रामलखन जी को धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहते हैं कि अपने धर्म पत्नी, अपने परिवार, अपने साथियों को लेकर के ये यज्ञ के रचे हैं, क्योंकि जहाँ पर ये यज्ञ होता है, राम कथा होता है, परमात्मा का दया कृपा आपके ऊपर पहुंचता है। बिना बिना भगवान के कृपा, बिना भगवान के दया से हम छोटे छोटे इंसान अपने ताकत से सिर्फ अपना जीवन एक सात्विक रूप में हम न निभा सकते हैं। हमें परमात्मा का कृपा का आवश्यकता है, भक्ति भाव का आवश्यकता है, ये सुंदर प्रवचन की आवश्यकता है कि जहाँ पर मुझे ताकत मिल सके अपने जीवन के लिए, ताकि हम अपना जीवन जो है एक अच्छा स्वसात्विक तरीका से हम आगे व्यतीत कर सकें। और जिनके अंदर में भक्ति भाव है वहाँ परमात्मा का कृपा है, भगवान का कृपा है, राम जी का कृपा है, शांति है। जिस परिवार में भक्ति भाव श्रद्धा है वहाँ पर उस परिवार में भक्ति और शांति और आनंद प्राप्त होता है, और जिस देश में भक्ति भाव होता है, यज्ञ इत्यादि होता है, परमात्मा का कृपा, राम जी का कृपा उस देश में भी आता है। धन्य वो देश जहाँ पर ऐसा ऐसा यज्ञ हम रच करके
और भगवान का वचन कर सके, आराधना कर सके, उपासना कर सके और ऐसे जैसे यज्ञ है मिल सके भगवान से, कि आप सब जो है भगवान श्री राम जी का कृपा आपके मिल सके। गान मंडली और हर एक लोग जो है जिन्होंने हाथ जुटाया है ताकि इस यज्ञ को स्थापना हम क्या कर सकें, उन लोगों के प्रार्थना श्रीति है कि भगवान उन लोगों की कृपा करे ताकि सुख शांत आनंद प्राप्त हो। और ब्राह्मण गण श्री, मैं आप सबों को भी हार्दिक से धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम मेन दंग एंड फेलिसिटी।